इंडिया के पहले पेरियोडोंटोलॉजिस्ट डॉक्टर जी बी शंखलाकर के जन्म दिवस के रूप में आयोजित ओरल हाइजीन डे पर तीर्थांकर महावीर डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के डिपार्टमेंट ऑफ पेरियोडोंटोलॉजी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मनीष गोयल ने बतौर मुख्य अतिथि कहा कि आज समाज में जागरूकता की कमी से हम मुख के स्वास्थ्य की चिंता नहीं कर पाते, मुख की बीमारियों को नजरअंदाज कर जाते हैं। इस मौके पर मरीजों की जागरूकता को न केवल नुक्कड़ नाटक हुआ बल्कि मरीजों की बीमारी के लक्षण और उपाय भी बताए गए। पीजी के छात्रों ने मरीजों को मुख साफ रखने की शपथ भी दिलाई। कॉलेज की ओर से करीब 200 मरीजों को टूथपेस्ट और माउथ वॉश वितरित किए गए। शरीर की खतरनाक बीमारियां, कैंसर, दिल की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी के लक्षण सर्वप्रथम मुख के अंदर से ही दिख जाते हैं। यदि व्यक्ति का मुख स्वस्थ होगा तो उसका शरीर भी स्वस्थ होगा। MDS के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए समाज में फैली विभिन्न प्रकार की भ्रांतियों को दर्शाया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक किया कि हमें झोला छाप डॉक्टर्स के चक्कर में ना पढ़कर किसी योग्य शिक्षित डॉक्टर के पास ही जाकर इलाज कराना चाहिए। नुक्कड़ नाटक में डॉक्टर अमित आहूजा, डॉक्टर कनिका वर्मा, डॉक्टर शिवानी जैन, डॉक्टर राहत, डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी, डॉक्टर मीनाक्षी, डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर अनुकृति, डॉक्टर इलिजा सलाम, डॉक्टर अनुसुईया भट्टाचार्य ने भाग लिया। मरीजों की जानकारी हेतु डॉक्टर कनिका ने उन्हें ब्रश करने के तरीकों का डेमोंस्ट्रेशन दिया और उन्हें सही तरीके से ब्रश करें ताकि उनके मसूड़े स्वस्थ रहें। डॉक्टर अमित आहूजा ने कहा कि मधुमेह और प्रेगनेंसी के दौरान मसूड़े की बीमारी होने के खतरा ज्यादा रहता है, इसलिए इस समय में इनका ध्यान रखना जरूरी होता है। डॉक्टर राहत ने मरीजों को दांतों के बीच में फंसे गंदगी को साफ करने हेतु इंटरडेंटल ब्रश की उपयोगिता के बारे में बताया। अंत में विभाग अध्यक्ष डॉक्टर दीपा डी ने सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। और पीछे इससे क्या होगा कि जितना भी खाना दांतों के बीच में फंसा होगा वो